नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बर टैग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टंकी फिटिंग से है। आज हम आपको बताएंगे कि दो अलग अलग साइज की टंकियों को एक साथ कैसे लगाएं बिना किसी ऊंचे नीचे फाउंडेशन के। आज हम एक ही फाउंडेशन पर दो अलग अलग साइज की टंकियों को लगाएंगे। टंकी लगाने से पहले मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये दोनों टंकियाँ अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग साइज के फाउंडेशन पर फिट हैं, अलग अलग साइज की हैं और अलग अलग साइज के फाउंडेशन पर फिट हैं। यह दूसरी पिक्चर है जिसमें दोनों टंकी एक ही साइज की हैं और एक ही फाउंडेशन पर फिक्स हैं। अब यह लास्ट पिक्चर है जिसमें मैं दो अलग अलग साइज की टंकियों को एक ही फाउंडेशन पर कैसे लगाएं, मैं इस पिक्चर की सहायता से आपको यह सब कुछ समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, यह दोनों टंकी अलग अलग साइज की हैं। पहली जो छोटी टंकी है वो 500 लीटर की है, दूसरी जो टंकी है वो 1000 लीटर की है। इन दोनों टंकियों को एक साथ कैसे लगाएं वो मैं आज आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए आपकी समर की लाइन हो, इसमें लिख देता हूँ मैं समर, मोनो ब्लॉक, समर या मोनो ब्लॉक की लाइन की मशीन की मदद से हमारा जो इनलेट वाटर है जो कि टंकी में इनलेट होगा, ये समर की सहायता से या मोनो ब्लॉक पंप की सहायता से इनलेट वाटर हम इस टंकी में डालते हैं। हमेशा ध्यान रखिए 1000 लीटर टंकी में इनलेट पानी 1000 लीटर टंकी में डालेंगे और 1000 लीटर की इनलेट वाटर से थोड़ा नीचे एक हॉल करके इसमें टैंक में लगाएंगे। दो एलो की सहायता से पाइप को मोड़ के 500 लीटर यानी छोटी टंकी में इनलेट कर देंगे। बड़ी टंकी में पहले समर का पानी आएगा ये, और बड़ी टंकी में इनलेट होगा। इसके बाद इसमें से ही बड़ी टंकी में से ही एक आउटलेट वाटर निकालेंगे और उसे 500 लीटर टंकी में इनलेट करेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इनलेट करेंगे और इसमें हम इस पॉइंट पे हम बॉल कॉक का यूज करेंगे। बॉल कॉक क्या होता है दोस्तों? बॉल कॉक का कार्य होता है स्वचलित यानी अपने आप चलने वाली छोटी सी मशीन, जैसे मशीन भी बोल सकते हैं। मशीन बोलना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं, मशीन बोल सकते हैं। और ये बॉल कॉक ऐसे होती है कि जैसे ही हमारी टंकी भरती है ये बॉल कॉक धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो जाती है और टंकी भरने के बाद ये बॉल कॉक पानी को तुरंत रोक देती है। इसकी सहायता से आप समझ रहे होंगे कि हमारे 500 लीटर की टंकी भर गई है। 500 लीटर टंकी भरने के बाद ये बॉल कॉक ऊपर हट जाएगी और पानी को बंद कर देगी। अब पानी बंद होने के बाद ये 1000 लीटर वाली जो टंकी है वो भी धीरे धीरे भरी भरेगी। पूरी भरने के बाद इसमें मैंने एक ओवरफ्लो पाइप भी दिया है यहाँ पर। ये ओवरफ्लो जब टंकी हमारी भरेगी तो ओवरफ्लो पाइप की सहायता से हमें पता चल जाएगी कि हमारी टंकी भर चुकी है और हम समर या मोनो ब्लॉक पंप को बंद कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूं हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है या क्या क्या चीज़ इसमें फिट हुई है वो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसमें पाइप, पानी टंकी, एल्बो, चेक वाल, टैंक रिफिल, हाफ राउंड वाल, यूनियन टी आदि सामान की हमें आवश्यकता पड़ती है और सॉल्वेंट वगैरह पाइप्स ये सब होते हैं। तो ये भी टंकी हमारी भर चुकी और ये भी टंकी भर चुकी। मेन पॉइंट आता है कि इन टंकियों में एक साथ पानी कैसे चले और कैसे रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक चेक वाल डाला है जिसे NRV बोलते हैं। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, यानी इधर से इस लाइन से इस टंकी से इस 500 लीटर टंकी से 1000 लीटर की टंकी में पानी आराम से जाएगा। बट 1000 लीटर की टंकी से 500 लीटर की टंकी में पानी नहीं आएगा, ये चेक वाल का कार्य होता है। चेक वाल का कार्य केवल इधर से आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। इसकी सहायता से जब भी ये टंकी ये 1000 लीटर की इसका वाटर लेवल बढ़ेगा
तो ये पानी इधर नहीं जा पाएगा। जब इसका लेवल नीचे आएगा ये पानी यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें से भी पानी आना चालू हो जाएगा इधर से, यहाँ करके पानी इसमें 1000 लीटर टंकी में आपका आ जाएगा। और मैं आपको इसे बताऊँ, अब इसमें से हम आउटलेट वाटर, दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने इसमें आउटलेट इतना ऊंचा क्यों रखा है। इसका आउटलेट इतना ऊंचा रखने का कारण है, जब भी हम समर चलाते हैं तो समर में डस्ट यानी मिट्टी आती है, और हमारे टैंक निपल टैंक के तले से थोड़ी ऊंची हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे कि लाइन में मिट्टी या गंदगी कुछ भी नहीं जाती है, इससे कि हमारी लाइन काफ़ी समय तक लंबे अच्छे से लंबे समय तक बिना सफाई के भी चल सकती हैं। अब इसमें देखिए हमने क्या क्या लगाया है। टैंक रिपल मैंने आपको यहाँ दिखाई, वो टैंक रिपल यहाँ लगी है। टैंक लगाने वाले बाद इसमें लगाया हाफ राउंड गोली वाल, हाफ राउंड गोली वाल लगाने के बाद इसमें हमने यूनियन लगाई है। यूनियन से क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों टंकी और लाइन को अलग अलग कर दिया जाता है, ये यूनियन का फायदा होता है। और ये पानी आउटलेट हमने इसमें टी डाली है, टी डालने के बाद एक पानी हमारी नीचे टोंटियों में चला गया था, ये हमने एयर पाइप बनाया है, ये एयर पाइप में यहाँ पर डाली है टी। दोस्तों एयर पाइप हम क्यों बनाते हैं, एयर पाइप इस वजह से बनाते हैं जब भी हमारी टंकियाँ एक साथ खाली हो जाती हैं और फिर हम इनको एक भरते हैं तो नीचे पानी नहीं आता है। ये कब होता है, जब हम एयर पाइप नहीं डालते हैं, जब हम एयर पाइप डाल देते हैं तो टंकी पानी, जब भी हमारी टंकी खाली होती है और हम दोबारा पानी भरते हैं तो पानी अपने आप ही नीचे आ जाता है। और एयर पाइप में क्या होता है, एयर पाइप नहीं होता है तो ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल पाती है। तो हमेशा ध्यान रखें हमें हर टंकी में अपनी लाइन में एयर पाइप लगाना ज़रूरी है। ये टी इस वजह से लगी हुई है क्योंकि यहाँ से एयर निकलती रहे और कोई सा इसमें कोई भी गिट्टी कंकड़ी ना डाले, इससे कि हमारी लाइन में रुकावट हो। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार है। प्लीज़ कोई भी सुझाव हो आपका हमें ज़रूर दें और हमारी वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।